कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, अल्लाह का अज़ाब है आप लोगों के लिए। तो ये जो वीडियोस आपने देखी, ये इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं कि आप लोग पहले ये देख चुके होंगे, पर जैसे ही मैंने इसको अपने स्टेटस पे लगाया तो कुछ पढ़े लिखे गवार लोग हैं, उन्होंने कमेंट किया कि वो फल में थूक नहीं लगा रहा था, सिर्फ हम लोग को बदनाम करने के लिए वीडियो वायरल की जा रही है। अच्छा, बोलता है, कमेंट करता है कि जो हम लोग फल होता है वो तो धुल के खाते हैं। मतलब इतने गवार लोग अभी भी हम लोग के इसमें हैं, ऐसे ऐसे लोग अभी भी पढ़े हैं जो ऐसा मान रहे हैं। वो लगा रहा था, बोल रहा था कि ये करने से जन्नत प्राप्त होगी। अगर यार उसको जन्नत प्राप्त करनी है तो मैं पुलिस से यही बोलना चाहूँगा, मतलब अपने अपने योगी जी से या फिर अपने मोदी जी से यही बोलना चाहूँगा, उसको जन्नत प्राप्त करनी उसके और भी तरीके हैं, है ना। नहीं गोली मारो, प्यार से निपटा दो, निपटाना तो है ही ना। देखो, हजारों को बचाने के लिए एक को जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे हजारों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लाखों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 1.7 बिलियन लोगों की बात हो रही। जैसे कुत्ते की पूछ है, अगर उसको नहीं सीधा कर सकते हैं, कुत्ते की पूछ को नहीं सीधा कर सकते हैं तो उसको काट दो ना यार, खत्म बात। नहीं अगर वो भी तब भी ना माने कुत्ता तो किया जा सकता है। इन लोगों को नहीं समझ में आ रही बात, तुम लोग साले पुलिस वाले पे थूक रहे हो, दो कौड़ी के भी लोग नहीं हो तुम लोग। अगर मैं तुम लोग गाली दूंगा ना तो मेरा मुंह खराब होगा, इतने घटिया किस्म के लोग हो तुम लोग। ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि ये सब करने से उनको जन्नत प्राप्त हो जाएगी। जन्नत प्राप्त करने के और तरीके हैं, समझ में आया, जाओ जाके प्राप्त करो, सड़क पे नंगा घूमो, पर ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक हम लोग का सब सही चल रहा था, जो कंडीशन थी हम लोग की कंट्रोल में थी। अब कुछ ऐसे कुछ बता रहा हूँ, कुछ सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर रखना, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं, इनकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जो हम लोग का लॉकडाउन है वो 49 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, ये होना ही है, इतने सारे लोग बचाने के लिए करना ही पड़ेगा ना। तो अल्टीमेटली ये है ही, लॉकडाउन जो होगा वो बढ़ाया जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि 5 दिन का गैप मिल सकता है, 1-2 दिन का गैप, पर उससे क्या होगा, कंडीशन और वर्स ही होनी है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है कि ब्रेक मिलेगा। अच्छी बात है भी और नहीं भी है, ठीक है। अच्छी बात क्या है, घूमने क्या करोगे यार, ठीक है, जान है जहान है, ठीक है, घर पे रहो, सुख पे जाप, जरूरत नहीं किसी मिलने की। अगर ज़्यादा ही घूमने का सवार है तो फिर जाओ इन लोगों के गैंग में शामिल हो। कुछ लोग ऐसे लोग हैं, किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ऐसे लोग ऊपर। मेरा तो यही है सोल्यूशन कि सड़क पे नंगा घुमाओ इन लोग को, जब ज़्यादा हो जाए बस। जी सर, मेरा ओपिनियन है, क्योंकि अभी जो कमेंट मिला है ना कि ये सिर्फ हम लोग को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, अरे बेवकूफ इंसान, तुमको क्यों बदनाम करेंगे, यहाँ पे दुनिया खतरे में, समझ में आया, तुम्हारी वजह से। और सही बात भी है, अब तुम्हारे जैसे लोग होंगे अगर इस दुनिया में तो कहाँ से कुछ होना है। हम लोग जन्नत प्राप्त नहीं करनी, लोग अपने अर्थ को ही जन्नत बनाने वाले हैं, तुम लोग निकलो यहाँ से तो ज़्यादा सही है। मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझको ये वीडियो बनानी पड़ेगी, पर तुम लोगों ने ऐसा कर दिया कि मुझको ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो जितने मेरे मोमडन भाई हैं, प्लीज़ समझाओ, जिनके दिमाग में टट्टी भरी पड़ी है उसको निकालो। अब तुम्हारे चक्कर में सब पूरे कंट्री को झेलना पड़ा, बंद कर दो ये सब जो कर रहे हो नौटंकी, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और जो नोटे पे थूक लगा रहे हो, चप्पल ही पड़ेगी, समझ में आया। प्लीज़ इसको शेयर कर देना, इन लोगों तक बात तो पहुँच जाए कम से कम, कि अभी कुछ लोग बैठे हैं जो तुम्हारा पिछवाड़ा खोल के डंडा मार सकते, नहीं पता तो जान लो।